गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। और आज हम जा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी का ब्लॉग बनाने। बहुत दिनों से जिस ब्लॉग का इंतज़ार था, आज वही बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हॉस्टल का ब्लॉग मैंने पहले बना लिया है और अभी जाएंगे यूनिवर्सिटी का ब्लॉग बनाने के लिए। और पूरी यूनिवर्सिटी को मैं आपके लिए एक्सप्लोर करूँगा और हर चीज़ यूनिवर्सिटी के अंदर दिखाऊँगा मैं आपको। खेल ग्राउंड से लेकर हो, चाहे वहाँ की लैब्स हो, चाहे वहाँ के क्लासरूम्स हो और बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो, सब कुछ दिखाऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे व्लॉग में और अभी चलते हैं यहाँ से। तो अभी बज चुके हैं 10 और अभी हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, क्योंकि 10 बजे यूनिवर्सिटी ओपन होती है और आज मुझे लाइब्रेरी जाना है, तो वहीं जाएंगे। और इसीलिए मैं यूनिवर्सिटी का आज ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि पहले हम लाइब्रेरी जाएंगे और उसके बाद यूनिवर्सिटी का आपको पूरा ब्लॉग दिखाएंगे। और आज मेरी क्लास वगैरह तो है नहीं, लेकिन आपके लिए मैं पूरी यूनिवर्सिटी को घूमूंगा और वहाँ के लैब्स, क्लासेज, वो सब कुछ दिखाऊंगा यूनिवर्सिटी में। और आपको पूरा बिल्डिंग स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, कैसी यूनिवर्सिटी है, कैसा वहाँ का स्ट्रक्चर है और कैसी वहाँ पे स्टडी होती है, तो वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में। धन्यवाद। तो अभी जा रहे हैं बैक दरवाजे से अंदर की तरफ और सबसे पहले जाएंगे हम लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी हमारी है 5वें फ्लोर पे, और तो पहले लिफ्ट को बुलाते हैं और उसके बाद जाते हैं लाइब्रेरी के अंदर, तो आपको दिखाते हैं। चलिए लाइब्रेरी और चलते हैं यहाँ से। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो 5 बजे जाते हैं लाइब्रेरी के अंदर और फिर लाइब्रेरी के अंदर का दृश्य दिखाता हूँ मैं आपको। तो अभी आ गए हैं लाइब्रेरी के अंदर और ये जो आप देख रहे हो कि पूरा 5वां फ्लोर है यूनिवर्सिटी का, वो पूरा लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर रखा है। और लाइब्रेरी बहुत ही बड़ी है, ये सामने बुक्स लगी है और इधर जो ये सोफा लगे हैं ये टीचर्स के लिए है लाइब्रेरी के अंदर बैठने का स्थान, और सामने जो है वो है पीजी के लिए, और इधर पूरा बुक्स लगी है। और ये देखो तेजपाल है, ये पढ़ाई कर रहा है यहाँ पे। और ये जो जितनी भी चेयर्स लगी हैं ये सारी यूजी स्टूडेंट्स के लिए बैठने के लिए। सामने जो चैम्बर है वो हमारे लाइब्रेरियन सर है, उनका चैम्बर है। और अभी आगे चलते हैं आपको, और ये देखिए ये है पीजी स्टूडेंट्स के लिए बैठने के लिए स्थान है। और आपको जितनी भी लाइब्रेरी के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, और सारी बुक्स रखी है यहाँ पे। अभी न्यू आया है, न्यू स्टॉक आया है बुक्स का। और ये है नीचे का ग्राउंड फ्लोर का बेसमेंट है, और चारों तरफ आप देखिए कितना शानदार बनाया गया है इसको। तो अभी हम आए हैं छत के ऊपर, और छत से आपको ऊपर का पूरा व्यू देखिए, ये बाहर की तरफ है और सामने ये है क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ है। उसके आगे की तरफ जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे बनेगा बास्केटबॉल ग्राउंड, और सामने गेट लगा है। और ये है पीछे का व्यू जहाँ से आपको सामने दोनों हॉस्टल दिख जाएंगे, गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज़ हॉस्टल, और हमारे पुराने एकेडमिक ब्लॉक भी दिख जाएंगे। और ये देखिए आप पूरा दृश्य, कितना शानदार नज़ारा है यहाँ का।
और ये है ओल्ड एकेडमिक बिल्डिंग जहाँ से हमारी यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी यहीं से। और ये सारे इक्विपमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के जो कि ओल्ड एकेडमिक बिल्डिंग के सामने ही रखे गए हैं। आप देखिए सब कुछ रखा है यहाँ पे, सारे इक्विपमेंट्स यहीं पे रखे हैं। और ये देखिए ये है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए पॉली हाउस बनाए गए हैं। और यूनिवर्सिटी में अभी 3 पॉली हाउस डेवलप हुए हैं जिनमें 2 तो इस्टेब्लिश है और एक के अंदर जाके शायद दिखाते हैं। देखिए अगर ओपन होगा तो, अभी तो नहीं है ओपन। पॉली हाउस है और अभी इसको डेवलप किया गया था, इसके अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी एलोवेरा का इसमें कल्टीवेशन हो रखा है इस पॉली हाउस में, और बहुत ही बड़ा पॉली हाउस है क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी में ये पिछले साल ही डेवलप हुए हैं। और 3 पॉली हाउस है जिनमें से एक का तो अभी काम चल रहा है। तो ये पॉली हाउस है, हाँ हॉस्टल का। तो फाइनली व्लॉग को करते हैं ख़त्म और अभी चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ। तो मेरे को रास्ते में ये भैया मिल गए थे, तो इन्होंने कहा भाई ट्रैक्टर पे चलो चलो, तो मैं आ गया अपने हॉस्टल की तरफ और अभी पहुंचने वाले हैं हॉस्टल। तो उसके बाद आप ज़रूर बताना कि आपको यूनिवर्सिटी का व्लॉग देख के कैसा लगा।